बोकारो जिले के अंतर्गत कसमार प्रखंड के मंजुरा गांव में मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल एक अनोखा तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता में ना तो मेडल मिलता है, ना ही ट्रॉफी और ना ही नगद इनाम। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि तीरंदाजी प्रतियोगिता में जीतने वाले विजेता को एक वर्ष के लिए करीब एक एकड़ जमीन की खेती उपहार में दी जाती है। मंजुरा गांव में दशकों से चले आ रही ये परंपरा बीझा बिंघा के नाम से जानी जाती है। प्रत्येक साल ये प्रतियोगिता मकर संक्रांति के दिन आयोजित की जाती है। गांव वालों का कहना है कि मंजुरा निवासी स्वर्गीय रीतवरण महतो के द्वारा करीब 100 साल पहले इस अनूठी परंपरा की शुरुआत की गई थी। तब से अब तक प्रत्येक साल काफी उत्साह उमंग के साथ ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतिभागियों के तहत निशाना साधने के लिए खेत के बीचों बीच केला का एक थंब गाड़ा जाता है। उसके करीब 100 कदम दूरी से प्रतिभागी अपने तीर धनुष से उस पर निशाना साधते हैं। केले के थंब पर सबसे पहला निशाना लगाने वाला विजेता होता है। उपहार में वो एक साल के लिए करीब एक एकड़ जमीन खेती के लिए पाता है। गांव में ये परंपरा है कि जब हम लोग यहाँ से गाजा बाजा के साथ सभी संप्रदाय के लोग नदी नहाने के लिए खांजो नदी जाते हैं, वहाँ दान पुण्य करने के बाद दूसरे भसान होती है इसी तालाब में, बगल के तालाब में, और उसके बाद हम लोग 2 बजे के बाद तीरंदाजी प्रतियोगिता है। सभी धर्म के लोग इसमें भाग लेते हैं और हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा एक जो पहला विजेता होता है उन लोगों को 1-20 पहले धान की खेती के लिए 1 साल के लिए पुरस्कार हम लोग देते हैं। यह करीब सैकड़ों वर्ष से चला रहा है और हम लोग पूरे गांव के लोग इसको जोश उत्साह से मनाते हैं और आज का दिन हम लोग के शुभ दिन है और यात्रा का दिन हम लोग आज प्रारंभ करते हैं। क्या उद्देश्य है इस तरह का कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य यही है कि गाँव में सभी वर्ग के लोग, किसान विशेषकर किसान वर्ग के लोग, यह आयोजन हमारे पूर्वजों के द्वारा किया जाता है और इसमें हम लोग गांव में एकता भाईचारा का हम लोग संदेश देते हैं। पहला यात्रा किसान का हम लोग यही कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आज का जो संपन्न हुआ हम लोग शामिल है, इसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग। इस प्रतियोगिता में केला का थंब लाना और गाड़ने की जिम्मेदारी गाँव के गोड़ायत की होती है। इस प्रतियोगिता में हर साल दर्जनों प्रतिभागी बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। कई प्रतिभागी बतौर विजेता हैट्रिक मार चुके हैं। ये फर्स्ट बार है मेरा। पहली बार है? पहली बार मार रहे हैं। भाग लिए होते पहली बार? पहली बार भाग लिया, पहली बार मार रहे हैं। पहले पापा की वजह से नहीं मारते थे। तो और क्या तीरंदाजी करने का शौक है या खाली खेल से? नहीं, शौक है, किसे नहीं शौक है। आगे लेकिन चल के आगे भी जैसे परंपरा जो है वो परंपरा तो निभाना ही। और आगे चल के क्या बनना चाहते हो, तीरंदाज खेलना चाहते हो? मिलेगा चांस तो खेलेंगे। ग्रामीणों द्वारा विजेता को कंधे पर उठाकर घुमाया जाता है और जश्न मनाया जाता है। उसके बाद प्रतियोगिता खत्म की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।